बोतल में से बॉल निकालिए और ले जाइए 10,000 रुपए का इनाम। चल हेलो, सच में 10,000 दोगे या हमें वैसे ही पागल बना रहे हो? अरे भाई अभी धंधे का वक्त है यार, ये देख लो ये है पूरा 10,000 रुपया, 500 एंट्री फीस रखो, इसके अंदर से बॉल निकालो और ये 10,000 पूरा इनाम ले जाओ अभी। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है, अभी दिखाता हूँ। ये पकड़ो अपने 500 रुपए और अभी मैं तुम्हें बोतल में से बॉल निकाल के दिखाता हूँ। एक मिनट रुको, गेम शुरू करने से पहले आपको मैं गेम के कुछ रूल बता दूँ। आपने इस बोतल के अंदर से बॉल निकालनी है, मगर अगर बोतल को हाथ लगा तो आपके 500 जाया, गेम खत्म, आपको दोबारा गेम शुरू करनी पड़ेगी। अगर मंजूर है तो बताओ। ये क्या बकवास है, बोतल को हाथ लगाए बगैर हम बॉल किस तरह निकाल सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। ये तो है भाई, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है भाई जान। ये इम्पॉसिबल नहीं, ये दिमाग का काम है, और आप दोनों मुझे वैसे भी देखने में पढ़े लिखे लग रहे हैं। हाँ ये बात तो है। इदरीस भाई आप रुके, पहले मैं ट्राई करता हूँ। एक मिनट भाई, ये देखें हार्ट टच हो गया इसका। अबे यार बस रुक, अभी तो रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। ये लो भाई 500, अभी तो देख मैं कैसे निकालता हूँ। ये क्या कर रहे हो? अभी तो देख मैं इस बबल की मदद से कैसे बॉल निकालता हूँ। अच्छा ये टच हो गया भाई। यार यार ये तरीका भी फेल हो गया, अब कोई और स्कीम लगानी पड़ेगी और इस बोतल में से आज ये बॉल निकाल के लेके जानी पड़ेगी और ये 10,000 रुपया भी इससे लेना पड़ेगा। भाईजान ये काम मुश्किल नहीं, ये दिमाग का काम है, जरा एक बार सोच लो फिर। भाई ये गेम एक दफा मैं कोशिश करूं? जी भाई ये गेम खेलने के लिए 500 एंट्री जरूरी है, अगर आपके पास 500 है तो आप ये गेम खेल सकते हैं। जी भाई मेरे पास है, लो चलें भाई। अबे ओ मजदूर, क्यों यहाँ पे आके अपनी मजदूरी जाया करने पे लगा हुआ है? हम जैसों से काम नहीं हुआ, तुझ जैसे जाहिल से ये काम होगा? चुप करके जा अपनी मजदूरी करो और अपने पैसे कमा। भाई मैं पूरा दिन मजदूरी करता हूँ, इसमें क्या हर जगह मैं अपनी किस्मत आजमा लूँ, शायद मेरी किस्मत चल ही जाए। भाई जो आपके हाथ में पानी की बोतल है वो मिल सकती है? हाँ ले लो। भाई ये लें बॉल, लाए मेरा 10,000 रुपये का इनाम। जी जी भाई ये लो, ये आपका पूरा 10,000 रुपये का इनाम। यार भाई आपने किस तरह काट लिया, हम तो इतनी देर से कोशिश कर रहे थे, हमारे से तो नहीं ये हुआ? भाई मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मुझे एक दफ़ा बचपन में मेरी दादी ने ना प्यासे कौवे की कहानी सुनाई थी, उसी को मैंने दिमाग में रख के गेम खेली और बॉल निकाल ली। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पानी की बोतल दी, मैं चलता हूँ। देखा भाई मैंने आप लोगों को पहले कहा था ये गेम दिमाग की है, आप लोग बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रहे थे और उसकी भी मजाक उड़ा रहे थे, मगर उसने गरीब होने के बावजूद देखो किस तरह निकाल लिया अपना दिमाग इस्तेमाल करके। भाई हमारे से गलती हो गई है, आपने ये बहुत बड़ी गलती की है, आपको कभी किसी गरीब के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भाई आप सही कह रहे हैं, हमने उस गरीब का मजाक उड़ाया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है भाई, कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, आइंदा के बाद इस चीज़ का ख्याल रखना। ठीक है भाई।